हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन मलाई कारी की रेसिपी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आइए शुरू करते हैं। मैं चिकन को मैरिनेट कर लूंगी। नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही अच्छे से मैरिनेट करके हमें आधा घंटे के लिए इसको रख देना है। अच्छे से मैरिनेट कर दिया। इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे और इसको मैं आधा घंटे के लिए रख दूंगी। और ये मेरा कच्चा नारियल का पिसा हुआ मलाई है, मैं इसको भी यूज़ करूंगी। अब कढ़ाई को गर्म करके मैंने इसमें वाइट ऑयल और थोड़ा सा घी मिला के डाल दिया। इसमें थोड़ा गर्म मसाला, तेज़पत्ता और मिर्च और जीरा मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा गर्म होने और देना है, कलर चेंज के लिए वेट करेंगे इसका। और मैं इसमें थोड़ा प्याज अब कट के डालूंगी। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को अच्छे से हमें फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है। ये मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन है। अब अच्छे से प्याज फ्राई होने के बाद मैं इसको डाल दूंगी। इसमें थोड़ा मैं ब्लैक पेपर भी दूंगी। मैंने मैरिनेट की टाइम ही सब कुछ दे के रखा है, तो और मुझे इसमें कुछ नहीं ऐड करूंगी। इसको सीधा मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। प्याज मेरा फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें चिकन को ऐड करूंगी। मैं इसमें थोड़ा दही का ज़्यादा ही यूज़ की हूँ, क्योंकि मैं इसमें टमाटर यूज़ नहीं करूंगी, तो दही आप उसी हिसाब से यूज़ करना। थोड़ा सा चिकन मसाला भी डालेंगे इसमें, अगर आपको पसंद हो। अगर आपको पसंद हो चिकन मसाला का, तो आप थोड़ा सा चिकन मसाला भी डाल सकते हो। 5 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे। उसके बाद नारियल का जो पेस्ट है वो मैं डाल दूंगी। 10 मिनट बाद अब मैं इसको थोड़ा सा हिला दूंगी और इसमें मेरा पेस्ट किया हुआ मलाई भी नारियल। ये मेरा कच्चा नारियल का मलाई है जो मैं पेस्ट बना के रखी हूँ, इसको डाल दूंगी। और मैं थोड़ा घर का दूध का क्रीम भी इसमें ऐड करूंगी। 1 चम्मच क्रीम भी मैंने इसमें ऐड करूंगी दूध का। अब इसको अच्छे से मिला के मैंने अच्छे से मिला दिया इसे। और इसको एकदम लो फ्लेम पे हमें ढक के पकाने हैं। और इसको ढक के पका, फिर बाद हमें इसको थोड़ा चला देना है। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। मैं फिर से ढक दिया। अब फिर से चेक कर लेंगे इसको। इसका स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है।
कलर भी बहुत अच्छी आई है। मेरा चिकन नरम हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे ही पकाऊंगी। अब मैं इसको चेक कर लिया, एकदम पक चुकी है अच्छे से। और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और गरम मसाला ऐड कर दूंगी। और ये मेरा चिकन बनके तैयार है। ये नया टाइप का है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है।